चाहेंगे और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए कि लड़कियों का या लड़कों का सेंटर ज़्यादा नज़दीक तो नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसी दिन पहुँच कर अपने घर वापस पहुँच जाए एग्ज़ाम दे के। उसको क्या पता है कि क्या कैसे दिक्कत होती है माँ बाप को, ठीक है ना? माँ बाप को जो दिक्कत होती है वो उनको क्या पता, गृहस्थी का पता ही नहीं है जिस आदमी को, वो क्या सेंटर सेंटर होना चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट में। आप स्टाफ बदल दो, अम्बाड़ा का स्टाफ लगा दो भिवानी में, करनाल का स्टाफ लगा दो महेंद्रगढ़ में, सख्ता ही कर दो आप। ये क्या मतलब हुआ कि लेडीज़ को परेशान करने के लिए वहाँ से कभी अम्बाड़ा, कभी यमुनानगर, कभी करनाल, क्या है ये उचित व्यवस्था नहीं है। ये छोटे बच्चों को लेके परेशान होती हैं औरतें, बच्चों को साथ में लेके आती हैं, माँ बाप के लिए एक दिक्कत है, ये समस्या है, तो इसके ऊपर उचित ध्यान देना चाहिए। पहले दुष्यंत जी कह रहे थे कि मेरे को बना दो, मैं होम डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ना सेंटर दूंगा। आज कहाँ है उनका वादा, कहाँ है खट्टर का वादा? खट्टर भी यो कह रहा था कि मेरा से मैं सेंटर वहीं की वहीं दूंगा, आपका कोई किराया नहीं लगेगा, मैं पेरेंट्स का वो करूँगा, वही नहीं उसका विषय में कोई सोच ही नहीं है इनकी। तो हरियाणा के करनाल ज़िले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आज महिला सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप ये देख सकते हैं तमाम ज़िलों से आज यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसी प्रकार से काफ़ी रश देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल ज़िले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी थोड़ी देर बाद जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि जो तमाम दस्तावेज़ हैं वो यहाँ पर चेक भी किए जा रहे हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल ज़िले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर का आज परीक्षा है। आप ये देख सकते हैं उसी के चलते तमाम ज़िलों से जो महिलाएं हैं वो आज यहां पर पहुंची हैं और किस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं कि दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, तमाम बातों को, अहम बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। और आप ये देख सकते हैं कि हर एक से पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले की, हरियाणा के करनाल ज़िले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो महिला सब इंस्पेक्टर का आज एग्ज़ाम है और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले की जहां पर आप देख सकते हैं तमाम ज़िलों से जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज यहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी ज़रूर देखी जा रही है। बहुत लंबी लंबी कतारें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के बाहर से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे। बेटा कहाँ से आए हैं आप? झज्जर। आज किस चीज़ की परीक्षा है आपकी? एसआई की हरियाणा कांस्टेबल, एसआई हरियाणा की। देख सकते हैं कि तैयारियां जरूर हैं बच्चों की और किस प्रकार से फ़िलहाल यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार जरूर कर रहे हैं। मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम कहां से आए हैं आप? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? एसआई का है। हाँ जी। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हम लोगों का। हाँ जी सर। सुबह कितने बजे चले? हम सुबह 3 बजे निकले थे घर से। 3 बजे? हाँ जी। तो ये भी दिक्कत आती है कि सेंटर दूर बना दिया जाता है? बहुत ज़्यादा दूर बना दिया, हम लोग महेंद्रगढ़ से 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं आने जाने, आने आने का। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि ताकि सेंटर जो है नज़दीक बने?
नज़दीक होना चाहिए, जैसे हम लोग आने जाने में टाइम बर्बाद हो जाता है, तो पास होना ज़रूरी है ना। तो कितने घंटे का है सफ़र आने जाने का, यानी कि पूरा दिन लग जाता है? पूरा दिन लग जाता है। 12 घंटा। माया शर्मा। तो माया शर्मा है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरे दिन में पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है, तो सेंटर भी नज़दीक होना चाहिए। आपको क्या लगता है जी, सेंटर नज़दीक होना चाहिए? हाँ जी सर, नज़दीक होना चाहिए। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। कितने बजे चले हैं सुबह? हम तो कल नाइट में चले थे 8 बजे और रात को 2 बजे पहुँचे थे, और अब देख लो क्या टाइम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? ये कहना चाहेंगे, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए कि लड़कियों का या लड़कों का सेंटर ज़्यादा नज़दीक तो नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसी दिन पहुँच कर अपने घर वापस पहुँच जाए एग्ज़ाम देके। तो कितने बजे पेपर ख़त्म होगा? क्या सर? पेपर कितने बजे ख़त्म होगा? 4:30। 4:30 बजे। और उसके बाद बस या ट्रेन? बस भी इतनी भरी हुई है, ट्रेन का कोई वो ही नहीं है कितने बजे चलेगी कितने। और 2 दिन लग गए, एक पेपर 1.5 घंटे का पेपर, लेकिन लग गए 2 दिन पूरे। महेंद्रगढ़ का रास्ता कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से महेंद्रगढ़ का रास्ता है सर 1 दिन लग जाता है पूरा। 12 घंटे? 12 घंटे। तो क्या बस से जाएंगे सर? बस से या बस में जगह मिल गई तो बस से, अदरवाइज ट्रेन तो है ही। ट्रेन तो है ही है। यस सर। आप, क्या नाम है आपका? नीतू। आज किस चीज़ का एग्जाम है? SI का, सब इंस्पेक्टर? यस सर। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी समस्या जरूर बताई है, 12 घंटे का समय इनको जरूर लगता है जब ये सफ़र करेंगे, महेंद्रगढ़ इनको जाना है, और इस प्रकार से दिक्कतें जरूर आती है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सेंटर नज़दीक होना चाहिए। सेंटर नज़दीक होना चाहिए? हाँ जी सर। सेंटर नज़दीक क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? सेंटर नज़दीक होना चाहिए सर। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे उनसे, हमारी यही गुजारिश है कि सेंटर नज़दीक दिया जाए। देखिए दोस्तों, 4:30 बजे, जी हाँ 4:30 बजे पेपर ख़त्म होगा, और किस प्रकार से जो महिलाएं हैं अपने घर जाएंगी, क्योंकि खतरा इनको भी बना रहता है। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बसें मिलती नहीं है, साधन मिलते नहीं है, कहीं अम्बाड़ा है तो कहीं यमुना नगर है, बच्चे महेंद्रगढ़ सतनाली भिवानी लोहारू पतनाना स्थानों से आए हुए हैं, तो वो परेशानी में जाएंगे। बसें समय पर मिलती नहीं, मिलती हैं तो वो कहीं किसी का टायर पंचर हो गया, वो समय पे पहुंच नहीं पाते। लोग अपने अपने साधन करके, एक बच्चे को लेकर के आने में 5,000 रुपये का खर्चा लगता है, ठीक है ना। माँ बाप को जो दिक्कत होती है वो उनको क्या पता, गृहस्थी का पता ही नहीं है जिस आदमी को, वो क्या सेंटर सेंटर होना चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट में आप स्टाफ बदल दो, अम्बाड़ा का स्टाफ लगा दो भिवानी में, करनाल का स्टाफ लगा दो महेंद्रगढ़ में, सख्ताई कर दो आप। ये क्या मतलब हुआ कि लेडीज़ को परेशान करने के लिए वहाँ से, कभी अम्बाड़ा, कभी यमुनानगर, कभी करनाल, क्या है ये उचित व्यवस्था नहीं है। तो उचित व्यवस्था नहीं है, एक रोष भी यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये जो फ़ोन स्क्रीन पर हम जिन महिलाओं की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये महिलाएं जो हैं महेंद्रगढ़ से आई हैं, और ना जाने ऐसी कितनी ही महिलाएं महेंद्रगढ़ से आज आई होंगी, और ना जाने कितने कितने दूर से, दूरदराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन साहब, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि सेंटर पास में नहीं है, और जब सेंटर पास में नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं इतना लंबा सफ़र आखिरकार ये लोग तय कैसे करेंगे। 4:30 बजे पेपर समाप्त होगा, और फिर उसके बाद 5 बजे इनको बस मिलेगी या ट्रेन मिलेगी, उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि समय अनुसार वो भी नहीं चलती हैं, भले ही बस की बात करें, भले ही ट्रेन की बात करें। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत जरूर है। परेशान होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशान होती हैं औरतें, बच्चों को साथ में लेकर आती हैं, माँ बाप के लिए एक दिक्कत है, ये समस्या है, तो इसके ऊपर उचित ध्यान देना चाहिए। पहले दुष्यंत जी कह रहे थे कि मेरे को बना दो, मैं होम डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ना सेंटर दूंगा। आज कहाँ है उनका वादा, कहाँ है खट्टर का वादा? खट्टर भी यो कह रहा था कि मेरा से मैं सेंटर वहीं की वहीं दूंगा, आपका कोई किराया नहीं लगेगा, मैं पेरेंट्स का वो करूँगा, वही नहीं, उसका विषय में कोई सोच ही नहीं है इनकी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी बात जरूर रखी है अपने चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि इस ओर वो ध्यान जरूर दें। आप ये देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से जो बच्चे हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन साहब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 4:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर उसके बाद बस पकड़ेंगे, 1/2 घंटा इसमें लग जाता है, ट्रेन मिलती है नहीं मिलती, बस मिलती है नहीं मिलती, किसी का 4 घंटे का रास्ता है, किसी का 8 घंटे का रास्ता है,
दिक्कत जरूर आती है। अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस ओर जरूर ध्यान दें ताकि आने वाले समय में बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाल 24।